अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आई एम मोहम्मद आसिफ फरीद और आज हम पढ़ेंगे पार्ट वन बायोलॉजी के अंदर चैप्टर फोर। हमारे पास द सेल चैप्टर है और टॉपिक है हमारा आज का प्लास्टिड्स। तो सबसे पहला पॉइंट हमने यहाँ पर देखना है वो हमारे पास है कि प्लास्टिड किन को बोलते हैं। तो याद रखिएगा, जो प्लास्टिड होते हैं ये पिगमेंट कंटेनिंग बॉडीज हैं, यानी इनके अंदर ये ऐसे ऑर्गेनल्स हैं जिनके अंदर आपको जो है पिगमेंट मिलेंगे। पिगमेंट जो है किसी भी कलर्ड बॉडी को बोलते हैं पिगमेंट ना। तो ये जो प्लास्टिड्स हैं इनके अंदर आपको, इन ऑर्गेनल्स में आपको पिगमेंट मिलते हैं। और प्लास्टिड जो है ये प्लांट्स में होते हैं, एनिमल्स में नहीं होते हैं। तो ये तीन तरह के पिगमेंट्स आपको मिलते हैं, तीन तरह के आपको प्लास्टिड मिलते हैं। क्लोरोप्लास्ट है, क्रोमोप्लास्ट है और ल्यूकोप्लास्ट है। तो ये तीन टाइप्स हैं जो आपकी बुक में एक्सप्लेन्ड हैं प्लास्टिड की। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हम डील करेंगे, वो हमारे पास है क्लोरोप्लास्ट। तो अगर हम क्लोरोप्लास्ट पे जाएं तो आपको याद रखना है कि प्लांट का जो हर एक सेल है वो फोटोसिंथेसाइजिंग नहीं होता, आप जानते हैं। तो प्लांट के अंदर जो है वो डेड सेल्स भी होते हैं, कॉर्क के प्लांट जो है वो 90% से भी अबव जो है वो डेड है। तो जो प्लांट के लिविंग पार्ट्स हैं उनके अंदर जो फोटोसिंथेसाइजिंग सेल हैं जिन्हें हम बोलते हैं क्लोरेनकाइमा सेल्स, उनके अंदर आपको जो है क्लोरोप्लास्ट मिलेगा। तो आपने याद रखना है सबसे पहला पॉइंट कि जो क्लोरोप्लास्ट है वो किन सेल्स में होगा। तो जो क्लोरोप्लास्ट है असल में वो फोटोसिंथेसाइजिंग सेल्स में होता है जिनका काम है फोटोसिंथेसिस करना। ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है इसके अंदर एक ग्रीन एक सबज आपको पिगमेंट मिलता है जिसको बोलते हैं क्लोरोफिल। और आप जानते हैं जो क्लोरोफिल है वो लाइट को एब्जॉर्ब करता है। जब वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है तो इनडायरेक्टली वो ग्लूकोज तैयार करने में इन्वॉल्व है, यानी कि फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व है। क्योंकि जो क्लोरोफिल है वो लाइट को अब्जॉर्ब करेगा और लाइट के जरिए जो है वो ग्लूकोज तैयार होगा CO2 और वाटर को यूज़ करके। तो हम ये कहते हैं कि जो क्लोरोप्लास्ट है उसका बड़ा मेजर रोल है फोटोसिंथेसिस में। तो एक तो चीज़ हमें ये आनी चाहिए। अगर हम इससे आगे चलें तो हम क्लोरोफिल का हम कंपेरिजन करेंगे हेम ऑफ द हीमोग्लोबिन। तो आप जानते हैं जैसे मैंने आपको बताया अभी कि जो क्लोरोफिल होता है ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक ग्रीन पिगमेंट है जिसका काम है एब्जॉर्प्शन ऑफ द सनलाइट टू प्रोड्यूस द ग्लूकोज, और ये इनडायरेक्ट रोल प्ले करता है ग्लूकोज के तैयार करने में। तो जो क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल है इसके सेंट्रल जो इसका एटम है वो मैग्नीशियम होता है। तो जो मैग्नीशियम जो भी प्लांट ज़मीन में से या फर्टिलाइजर्स में से जो भी वो मैग्नीशियम लेगा सॉइल में से या उसकी फूड में, तो वो जो मैग्नीशियम है वो उस प्लांट के अंदर जो है क्लोरोफिल को बनाने में काम आता है। और अगर एक प्लांट के अंदर जो है वो मैग्नीशियम ना दी जाए, ना उसको सॉइल में से मिले मैग्नीशियम, ना उसकी अगर डाइट में मतलब उसके फर्टिलाइजर्स में मिनरल्स के अंदर अगर उसको ना मिले ये मैग्नीशियम जो है, तो वो क्लोरोफिल बना नहीं पाएगा। उसका रंग जो है वो येलो हो जाएगा, सबज नहीं रहेगा। तो आपने याद रखना है कि जो क्लोरोफिल होता है उसके अंदर जो सेंट्रल एटम है वो मैग्नीशियम है, और इसके लिए जो क्लोरोफिल जो है वो ग्रीन आपको दिखते हैं और प्लांट भी आपको जो है ग्रीन दिखता है। अगर हम देखें हीमोग्लोबिन, तो हेम ऑफ हीमोग्लोबिन, हम जानते हैं कि ह्यूमंस के अंदर जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं असल में, तो वो जो RBCs हैं उनके अंदर उनका काम होता है कि वो ऑक्सीजन कैरी करते हैं। और हमारे RBCs के अंदर ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है HB जो हमारे RBCs में होती है, और इसके अंदर होता है आयरन। तो आपने याद रखना है जो सेंट्रल एटम है हीमोग्लोबिन के अंदर वो हेम के अंदर वो आयरन है। तो ये आपने याद रखना है, दोनों के रिंग्स मैच करते हैं, दोनों का स्ट्रक्चर मैच करता है, बस फर्क जो है वो मैग्नीशियम और आयरन का है। तो यहाँ हमने क्या सीखा, जो हमारा आज का टॉपिक है वो हम बात कर रहे हैं अबाउट क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट इन द फोटोसिंथेसाइजिंग सेल्स, नॉट इन द अदर सेल्स। जो आपके पास क्लोरोप्लास्ट होते हैं दे हैव ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल, और ये जो क्लोरोफिल होता है ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फोटोसिंथेसिस, फॉर स्टार्टिंग ऑफ द फोटोसिंथेसिस। फिर आपने कंपैरिजन किया है क्लोरोफिल का वर्सेस द हेम ऑफ हीमोग्लोबिन। अगर हम लास्ट पार्ट में जाएं स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट में, तो उससे पहले डायग्राम को देखेंगे। अगर आप डायग्राम को देखें तो डायग्राम के अंदर जो है वो आपको दिख रही है कि क्लोरोप्लास्ट जो है उसकी मेम्ब्रेन है। तो ये डबल मेम्ब्रेन है क्लोरोप्लास्ट जो है, और इसके अंदर आपको क्वाइन लाइक दिख रहे हैं स्ट्रक्चर्स। तो आपने याद रखना है ये जो क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर्स है इनका नाम है थायलाकॉइड। अभी हम बात करेंगे इसकी जो मैंने यहाँ पे लिखा है। तो अगर हम जो मैंने यहाँ पे नोट किया अगर उसको देखें हम, तो स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट के अंदर हमें दिख रहा है कि जो एनवेलप है
वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, यहाँ मैंने एक ड्रॉ किया लेकिन ये दो होते हैं। तो जो आपके पास क्लोरोप्लास्ट है इसके बाहर आपको दिख रहा है एनवेलप, तो इसमें डबल मेम्ब्रेन है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ये जो क्लोरोप्लास्ट है ये एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, और ये जो इसका एनवेलप है ये असल में इसकी प्रोटेक्शन और इसकी शेप को मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो ये आपको दिख रहा है इसके अंदर बाहर जो है वो एनवेलप आपको जो है दिख रहा है। अगर आप एनवेलप के बाहर अंदर जाएं इसके अंदर, तो यहाँ आपको डॉटेड एरिया दिख रहा है सारा। ये जो सारा डॉटेड एरिया है ये स्ट्रोमा है, इस लिक्विड का नाम है स्ट्रोमा। तो आपने याद रखने हैं प्रीवियस लेक्चर में हम बात कर चुके हैं माइटोकॉन्ड्रिया की, कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो फ्लूइड है दैट इज कॉल्ड एज मैट्रिक्स, लेकिन जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर फ्लूइड है दैट इज कॉल्ड स्ट्रोमा। तो हमारा जो एनवेलप के बाद जो हमारा नेक्स्ट पार्ट जिस पे हमें फोकस करना है वो स्ट्रोमा है। तो मैंने यहाँ लिखा है स्ट्रोमा। तो अगर स्ट्रोमा को देखिए हम, तो स्ट्रोमा क्या चीज़ है? ये है फ्लूइड ऑफ क्लोरोप्लास्ट, पहली बात। दूसरा पॉइंट, स्ट्रोमा के अंदर लाइक द माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए भी है और राइबोसोम्स भी हैं। मैंने आपको सिखाया था कि अगर डीएनए और राइबोसोम किसी ऑर्गेनल के अंदर हों तो वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है, अपनी कॉपीज तैयार कर पाएगा, प्रोटीन तैयार कर पाएगा। क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के अंदर डीएनए और राइबोसोम्स हैं, दैट्स व्हाई इट इज सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनल। अगर हम थर्ड पॉइंट की तरफ जाएं यहाँ पर, तो याद रखने आपने स्ट्रोमा ही वो जगह है जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन होगी, CO2 फिक्सेशन होगी। अगर हम थोड़ा सा रिवाइज करें तो मैं थोड़ा सा आपको गाइड करता हूँ अबाउट द CO2 फिक्सेशन। तो आप पढ़ चुके हैं मैटर के अंदर जो प्लांट के अंदर चलती है फोटोसिंथेसिस, वो असल में दो स्टेप में होती है। एक को हम बोलते हैं लाइट रिएक्शन, एक को हम बोलते हैं डार्क रिएक्शन। ये जो लाइट रिएक्शन है उसके अंदर हम तैयार करते हैं ATP और NADPH। तो जो प्लांट है वो लाइट रिएक्शन में तैयार करते हैं ATP और NADPH। ये जो ATP और NADPH हैं जो कि लाइट रिएक्शन में तैयार हुए हैं, ये प्लांट डार्क रिएक्शन के अंदर है CO2 को फिक्स करने में इस्तेमाल करते हैं। यानी कि ATP और जो NADPH हैं इन दोनों को इस्तेमाल करता है वो CO2 को ग्लूकोज में चेंज करने के लिए। तो CO2 से ग्लूकोज का बनना दैट इज कॉल्ड CO2 फिक्सेशन, और ये जो है वो चलती है स्ट्रोमा में। तो आपको याद रखना है कि जो ATP और जो NADPH हैं जब वो बन जाएंगे तो वो दोनों स्ट्रोमा के अंदर जाएंगे, और जो स्ट्रोमा है वहीं पर CO2 को चेंज किया जाएगा आपके पास ग्लूकोज के अंदर। अगर हम डायग्राम में जाएं तो डायग्राम के अंदर आपको दिख रहे हैं राउंड राउंड आपको दिख रहे हैं स्ट्रक्चर्स, गोल गोल आपको दिख रहे हैं क्वाइन लाइक, इनका नाम थाइलाकॉइड। हर एक जो गोल दायरा है, हर एक जो थाइलाकॉइड आपको दिख रहा है वो क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, उसका नाम थाइलाकॉइड है। तो अगर आप डायग्राम को गौर से देखें तो आपको दिख रहा है कि जो भी मैंने क्वाइन की तरह स्ट्रक्चर ड्रॉ किए हर एक थाइलाकॉइड है। तो अगर आप टोटल गिने तो ये 8 थाइलाकॉइड है, 4 एक तरफ हैं, 4 एक तरफ हैं, तो इनको बोलते हैं थाइलाकॉइड। याद रखिएगा ये जो थाइलाकॉइड है ये सबज दिखते हैं आपको, क्योंकि थाइलाकॉइड ही वो जगह है जिसके ऊपर आपको क्लोरोफिल मिलते हैं। तो आपने याद रखना है, मैं रिपीट कर रहा हूँ कि ये जो थाइलाकॉइड्स हैं इनकी मेम्ब्रेन्स के ऊपर आपको मिलते हैं क्लोरोफिल, इसलिए जो थाइलाकॉइड हैं वो आपके पास जो है वो ग्रीन होते हैं। और जो थाइलाकॉइड हैं ये आपको दिख रहा है गट्ठर में है, अकेले अकेले नहीं है, तो इसके गट्ठर को, स्टैक को, पाइल को हम बोलते हैं ग्रैनम। तो क्वेश्चन आपको बोर्ड में आता है डिफरेंस बिटवीन थाइलाकॉइड और ग्रैनम, तो हर एक जो इंडिविजुअल क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर है दैट इज थाइलाकॉइड, और वो जो पाइल है उसकी उसको बोलते हैं ग्रैनम। तो अगर हम नीचे आए, नीचे मैंने लिखा भी है थाइलाकॉइड को देखें, तो थाइलाकॉइड में आपको दिख रहा है क्लोरोफिल जो है दे आर अरेंज ऑन द मेम्ब्रेन्स ऑफ क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड थाइलाकॉइड। तो मैंने यहाँ लिख दिया जैसे मैंने गाइड किया था आपको कि थाइलाकॉइड हैं यही वो जगह है, इनकी मेम्ब्रेन्स ही वो जगह है जहां पर सबज यानी ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल अटैच है, इसीलिए जो थाइलाकॉइड अब ग्रीन दिखते हैं आपको। अगर आप थाइलाकॉइड से बिलो हैं तो आपको दिख रहा है ग्रैनम। ग्रैनम मैंने आपको बताया है अभी कि जो थाइलाकॉइड है वो अकेले अकेले नहीं है, बल्कि जो थाइलाकॉइड है वो एक गट्ठर है, उसका एक पाइल है थाइलाकॉइड की जो अरेंज है ओवर ईच अदर, तो दैट इज कॉल्ड ग्रैनम। और 50 या उससे भी ज़्यादा जो थाइलाकॉइड है वो मिलकर, वो जो सिक्के हैं 50 से भी ज़्यादा सिक्के जो हैं थाइलाकॉइड जो हैं मिलकर बनाएंगे ग्रैनम। तो आपको याद रखना है
कि थायलाकॉइड और ग्रैनम में क्या डिफरेंस है। अगर आप फिर से आप डायग्राम में जाएं तो डायग्राम के अंदर आपको दिख रहे हैं दो ग्रैनम, एक गट्ठर दिख रहे हैं, एक गट्ठर और, तो दो गट्ठर आपको दिख रहे हैं, दो पायल आपको दिख रही हैं। तो यूं कह लें कि दो ग्रैना आपको जो है डायग्राम में दिख रहे हैं। आप गौर कर सकते हैं जो दो आपके पास ग्रैनम है उनके दरमियान अटैच उनको मैंने किया है, तो जिस लाइन से मैंने अटैच किया है इसको हम बोलते हैं कि ये हमारे पास जो है वो इंटरग्रैना है, ग्रैनम के दरमियान की जगह है। और आपने याद रखना है कि ये जो ग्रैनम होता है, इंटरग्रैनम होता है, ये ग्रीन नहीं होता, इसके ऊपर क्लोरोफिल अटैच नहीं होते हैं। तो इंटरग्रैना जो है वो असल में एक कलरलेस होता है, ये ग्रीन नहीं होता। तो अगर हम देखें क्लोरोप्लास्ट के अंदर स्ट्रक्चर को देखें, तो आज हमने क्या पढ़ा है स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, वो जो आपके पास हमने क्या यहाँ देखा था एनवेलप की हमने बात की थी यहाँ पर कि डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है हमारे पास। फिर हमने देखा उसके बाद जो है कि अगर हम नीचे आएँ तो हमने यहाँ पर गौर किया है स्ट्रोमा की हमने बात की यहाँ पर कि स्ट्रोमा है वो फ्लूइड है ऑफ द क्लोरोप्लास्ट और इसके अंदर जो है डीएनए भी है, राइबोसोम्स भी दिखे हैं आपको। और मैंने कहा स्टोमा ही वो जगह है जहाँ पर CO2 फिक्सेशन होगी, उसके नीचे आपको दिख रहा है थायलाकॉइड, क्लोरोफिल जो है वो अटैच होंगे, अरेंज होंगे ऑन द थायलाकॉइड, इसलिए वो ग्रीन है। ग्रैनम की अगर बात करें तो पायल ऑफ थायलाकॉइड इज कॉल्ड ग्रैनम और 50 आर मोर थायलाकॉइड अरेंज करेंगे टू फॉर्म ग्रैनम। फिर आगे लिखा है मैंने इंटरग्रैना, तो आप जानते हैं कि दोनों ग्रैना के दरमियान इंटरग्रैना है और इसका रंग सब्ज नहीं होता। तो आज हमने क्या सीखा, आज हमारा बहुत ही अहम टॉपिक था, हमारा लॉन्ग क्वेश्चन था प्लास्टिड का। तो हमने सीखा प्लास्टिड जो है पिगमेंट कंटेनिंग बॉडीज हैं, इसकी तीन टाइप्स हैं क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। वी स्टार्टेड विद क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट जो है ये हमारे पास होता है फोटो सिंथिसाइजिंग सेल्स में और इसके अंदर एक ग्रीन पिगमेंट है दैट इज कॉल्ड क्लोरोफिल और जो कि इन्वॉल्व है फोटोसिंथेसिस के अंदर। फिर सीखा आपने क्लोरोफिल वर्सेस द हीम ऑफ हीमोग्लोबिन, क्लोरोफिल के अंदर सेंट्रल एटम मैग्नीशियम है बट इन केस ऑफ हीमोग्लोबिन दैट इज द आयरन। फिर आपने सीखा स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, जहां हमने बात की कि क्लोरोप्लास्ट होता है उसके अंदर इन्वेलप है, बाहर दो मेम्ब्रेन हैं, फिर यहाँ मैं एक ड्रॉ कर सका हूँ लेकिन वो दो मेम्ब्रेन हैं। फिर आपने देखा स्ट्रोमा जो कि फ्लूइड है ऑफ क्लोरोप्लास्ट, इसमें डीएनए भी मिलता है आपको, इसमें राइबोसोम भी मिलते हैं क्योंकि दोनों चीज़ें इसके अंदर हैं तो ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनल है। फिर सीखा आपने CO2 फिक्सेशन इसकी जिम्मेदारी है, मैंने आपको सिखाया है कि जो फोटोसिंथेसिस है दो स्टेप्स में होगी, लाइट में और डार्क में, तो डार्क रिएक्शन का नाम ही CO2 फिक्सेशन है। फिर सीखा आपने क्या डिफरेंस है थायलाकॉइड में और ग्रैनम में, और लास्ट पे आपने जो है यहाँ पर बात की है कि जो इंटरग्रैना है वो क्या होते हैं। दैट वॉज ऑल अबाउट माई लेक्चर, विश यू ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़।